हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो होगा क्या हम नेचुरली मसल बना सकते हैं कि नहीं। ये होगा बिगिनर सीरीज़ का मेरा थर्ड वीडियो। अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला दो वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक क्वेश्चन मुझे बिगिनर्स की तरफ से बहुत सुनने को मिलता है कि क्या हम नेचुरली मसल बना सकते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से ही मसल बनती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे वर्कआउट करते हुए अभी 4 to 5 ईयर्स हो गया है और मैंने अभी तक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को टच भी नहीं किया है और ऊपर से मैंने कम्पीट भी किया है। आप लोग नेचुरली मसल बना भी सकते हैं, कम्पीट भी कर सकते हैं और उस कॉम्पिटिशन को जीत भी सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द राइट डाइट, वर्कआउट एंड राइट टेक्निक्स। अगर आप लोगों को वो पता चल गया तो आप लोग इजीली मसल बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को नेचुरली मसल बनाने में एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, वो है पेशेंस। आप लोगों को मसल बनाने में पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन मिलेगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं आगे ऐसे जब भी वीडियोस बनाते रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बैक टू द टॉपिक कि हम नेचुरली मसल कैसे बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में अभी से लेकर पूरा एंड तक कुछ पॉइंट शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि नेचुरली हम ओवर द टाइम मसल कैसे गेन कर सकते हैं। तो मेरा नंबर वन पॉइंट होगा, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट होता है दिन का सबसे पहला मील और सबसे इंपॉर्टेंट मील। आप लोग मान के चलिए कि हम लोग डिनर करते हैं रात के 10 बजे के करीब और हमारा ब्रेकफास्ट होता है ऑलमोस्ट 8-9 बजे के करीब। ये होता है एक लंबा फास्ट। तो इस फास्ट को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए एक अच्छा अमाउंट ऑफ फूड और ब्रेकफास्ट होना चाहिए आप लोगों का दिन का सबसे बड़ा मील। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था ब्रेकफास्ट होना चाहिए दिन का सबसे बड़ा मील और रात का जो डिनर होता है वो होना चाहिए सबसे छोटा मील। तो हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि वो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करे, बिकॉज हम एक लंबे फास्ट ब्रेक करने के लिए लेते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आप लोग ले सकते हैं एग्स, उसके साथ आप लोग ले रोटी या फिर ब्राउन ब्रेड या फिर ओट्स, और उसके साथ आप लोग ऐड करें पीनट बटर या फिर आलमंड बटर। ये हो गया एक कंप्लीट बैलेंस मील। और इसके साथ अगर आप लोगों का आदत है देन आप लोग कॉफ़ी या फिर चाय भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे बिगिनर्स को देखता हूँ जो रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठने के कारण वो लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, वो लोग सीधा करते हैं लंच। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों को मसल बिल्ड करना है देन आप लोगों को ब्रेकफास्ट लेना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों को फिर भी जानना है कि ब्रेकफास्ट में कौन कौन से हेल्दी ऑप्शन होता है देन आप लोग मेरा व्लॉग्स चेक करें, वहाँ मैंने दिखाया है कि आप लोग ब्रेकफास्ट में कौन कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। और मेरा सेकेंड ऑप्शन होगा टेक ए मील इन एवरी 3 आवर्स। अगर आप लोगों को मसल गेन करना है देन ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लेते हैं लंच और रात में करते हैं डिनर। ऐसा करने से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को मसल गेन करना है देन आप लोगों को हर 3 घंटे के अंदर 1 मील लेना होगा। और आप लोगों को 1 मील ऐसे नहीं लेना है कि एकदम पेट फुल करके खाना है, आप लोगों को 1 मील ऐसे लेना है कि ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद थोड़ा सा भूख लगे और आप लोग तब नेक्स्ट मील ले। अगर आप लोग भी वर्कआउट करते हैं देन हमारा बॉडी को थ्रू आउट द डे न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जब आप लोग हर 3 घंटे के अंदर 1 मील लेंगे तो उससे हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेके रिकवरी प्रोसेस में लग जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ए मील इन एवरी 3 आवर्स। तो जब कुछ IBF प्रोस से पूछा गया कि आप लोग इतने जल्दी इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, तो वो लोगों ने बोला, मैंने वो इंटरव्यू खुद देखा है, वो लोगों ने बोला कि हम दिन में 7 to 8 मील्स लेते हैं। देन आप लोग सोचिए मील्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप लोगों को नेचुरली मसल गेन करना है देन आप लोगों को ये मील लेना ही पड़ेगा, तभी आप लोग ओवर द टाइम ग्रो करेंगे। तो मेरा थर्ड पॉइंट होगा एट सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। प्रोटीन होता है हमारा बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक जो हेयर, स्किन, ऑर्गन और मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो एक स्टडीज़ में पाया गया है जब आप लोग एक सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो उससे आप लोगों का फैट लॉस होता है। और मसल गेन करने के लिए प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी होता है, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है। तो अब बात आती है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए। अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करते हैं देन आप लोगों का जितना बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करें 1 से। और अगर आप लोग अभी भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है देन आप लोग आपका जितना बॉडी वेट है उसको 1.2 या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना नंबर आएगा आप लोगों को दिन में उतना प्रोटीन चाहिए होगा। तो दिन का प्रोटीन सोर्स के लिए आप लोग चिकन, एग्स, फिश या फिर जो हमें नट्स मिलता है वो, या फिर आप लोग व्हे प्रोटीन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग दिन में प्रोटीन कहीं से भी ले, बॉडी को उससे कुछ मतलब नहीं है। बॉडी को सिर्फ ये पता होगा कि आप लोग दिन में कितना अमाउंट पे बॉडी को प्रोटीन दे रहे हैं। तो मेरा फोर्थ पॉइंट होगा ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। ऐसा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ना ही फ्रूट्स खाते हैं और ना ही वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि इससे फोलेट, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे
मिनरल्स मिलते हैं हमारे बॉडी को, और इससे हमारे बॉडी को एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में डाइटरी फाइबर मिलता है। ये हमारा गट को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर रखता है। अगर आप लोग ऐसे कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन आप लोग ऐड कीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में, फिर आप लोग रिजल्ट देखिए। और अगर आप लोग फैट लॉस कर रहे हैं देन ये है आप लोगों का फ्रेंड, बिकॉज ये पेट को लंबे टाइम तक फुल रखने में हेल्प करता है और इससे आप लोगों को जल्दी भूख नहीं लगेगी। और ये हमारा बॉडी का हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और ऐसे बहुत सारे कैंसर है जिसका रिस्क भी ये कम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना डाइट पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ऐड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फैट्स खाने से फैट्स बढ़ता है, ये बिल्कुल एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दिन में सब तला हुआ खाना खा रहे हैं, सब फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, तब तो आप लोगों का फैट्स बढ़ेगा ही। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऐड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। तो हेल्दी फैट्स में मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, जैसे कि हो गया फिश, नट्स लाइक आलमंड्स, पीनट्स, कैशियस और वेरियस टाइप ऑफ सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा जो हमारे बॉडी को हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और ये हमारा कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है। और जो खाना हम दिन भर में खाते हैं उसे भी एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। और जब हम कटिंग फेज में होते हैं तब हमारा बॉडी को हेल्दी फैट्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होता है। तो अब बात आती है हमें दिन में कितना ग्राम्स फैट लेना चाहिए। हम लोगों का दिन का 20-30% कैलोरीज फैट में से आना चाहिए। मान लो आप लोग एक 2000 कैलोरीज का डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसमें से आप लोगों का 45-75 ग्राम कैलोरी फैट्स में से आना चाहिए। तो हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना। तो हमारा सिक्स पॉइंट होगा वाटर रिटेंशन। अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं देन आप लोगों को दिन में 4-6 लीटर्स तक पानी पीना ही चाहिए। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड्स निकल जाता है और उस टाइम पे हमारा मसल्स छोटा दिखता है, और जब हम फिर से पानी पीते हैं उसके बाद हमारा मसल्स स्लोली फुल होने लगता है। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं। अगर आप लोग वर्कआउट नहीं भी करते हैं फिर भी पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा बॉडी का 60% बना हुआ होता है पानी से। तो पानी हमारा बॉडी का जो वेस्ट है उसे फ्लश करने में हेल्प करता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हम दिन में जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ऑर्गन्स में, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पानी के बेनिफिट्स मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसे रखते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक के लिए। तो दिन में हमें ऑलमोस्ट 4-6 लीटर तक पानी पीना ही पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा ईट होल फूड। होल फूड मतलब जो एकदम मिनिमल प्रोसेस्ड है या फिर जो प्रोसेस नहीं होता है। आप लोग जो बाहर का खाना होता है लाइक जंक फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसे आप लोग जितना हो सके उतना अवॉइड करो। तो होल फूड में आप लोग वेजिटेबल्स, दाल, जो ग्रेन्स होता है उसमें ज़्यादा फोकस करो, उससे आप लोगों का कम अमाउंट में ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। ये हमारा ब्लड शुगर लेवल, किडनी फंक्शंस और ऐसा बहुत सारे हार्ट डिजीज है जिसको कम करने में हेल्प करता है। तो होल फूड्स फाइबर, न्यूट्रिशन और विटामिन से भरा हुआ होता है, और ये आप लोगों का डेली जो कैलोरी का गोल है उसे भी पूरा करने में हेल्प करेगा। और होल फूड एंटी इन्फ्लेमेटरी और वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है, वो हमारे सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और हमारा इस वीडियो का 8 एंड लास्ट पॉइंट होगा प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करो, कंट्रोल्ड रेप्स लगाओ और कंसिस्टेंट बने रहिए। और जब आप लोग एक प्रॉपर डाइट के साथ इस 3 वर्कआउट टिप्स को फॉलो करेंगे तभी आप लोगों का मसल स्लोली ग्रो होगा। और प्रॉपर फॉर्म का मतलब ये है कि आप लोग वेट्स के लिए अपना फॉर्म ख़राब मत करो, चाहिए वेट कम लो फिर भी प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप लोगों का इंजरी का चांसेस भी कम होता है और इससे आप लोगों का मसल भी अच्छे से ग्रो होता है। और कंट्रोल रेप्स का मतलब ये है कि आप लोग ऐसा नहीं कि जो भी आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं आप लोगों को पता ही नहीं कहाँ लग रहा है और आप लोग वर्कआउट किए जा रहे हैं, इससे आप लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग वर्कआउट में प्रॉपर स्क्वीज करो और प्रॉपर स्ट्रेच करो तभी आप लोगों का वर्कआउट काम में आएगा। और मैं इस वर्कआउट सीरीज में ये बात हर वीडियो में बताया है, आप लोगों को बिगिनिंग में चाहिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आप लोग एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन फॉलो करो, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करो, आप लोग देखना आप लोगों का फिजिक 1-2 साल में पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो ये था मेरा कुछ पॉइंट्स कि आप लोग नेचुरली कैसे मसल बना सकते हैं। तो यही तक था ये वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप लोग वेजिटेरियन डाइट में कैसे मसल ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसा बहुत सारे वेजिटेरियन लोग होता है जो मसल गेन करना चाहते हैं पर उन लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा प्रोटीन का सोर्स है, कौन सा कार्ब का सोर्स है और कौन सा फैट्स का सोर्स है। तो ये जानने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो आने तक। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे। अंटिल देन पीस।